वेलकम बैक एवरीवन, लकी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने है सी पी प्लस का सी पी यू वी आर 0801 E1 8C मॉडल का डिवियर, जो कि 8 चैनल्स है। और आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और बताएंगे इस डिवियर में आपको क्या क्या मिल जाता है और ये डिवियर कैसा है। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरह का दिखता है और यहाँ पर कोई भी सील नहीं आता है, इससे आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका मॉडल दिया हुआ है। और इस डिवियर का एक खास बात है, ये S.265 प्लस डिवियर है जो आपको बहुत ज़्यादा बैकअप देता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क में लोड कम लेता है और आपको बैकअप जो है ज़्यादा देता है। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल दिखता है, जहाँ पे यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड। और यहाँ पे आपको डिवियर मिलता है, जो डिवियर है काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देख सकते हैं, 8 BNC कनेक्टर है, एक ऑडियो इन, एक ऑडियो आउट है, एक VGA, एक HDMI, 2 USB पोर्ट, एक LAN और एक पावर कनेक्टर जो 12 वोल्ट DC में आता है। और पीछे की तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे CP प्लस का ब्रांडिंग, इसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, मैक एड्रेस मिल जाता है। और अगर इसे पॉलिथीन से निकलते पहले सामने की तरफ कुछ ऐसा दिखता है, सामने की तरफ आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलता है। और ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ में ये, फिर भी छोटा पड़ रहा है यहाँ पर भी। तो ये डिवियर जो है, इससे आपको जो वीडियो कंप्रेशन मिलता है, इसके कारण आपको आपके हार्ड डिस्क में बैकअप जो है ज़्यादा मिलता है, मतलब आपको रिकॉर्डिंग जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप 10 दिन का रिकॉर्डिंग पहले के डिवियर में अगर करता था, तो ये लगभग आपका 12 दिन दे देगा। यहाँ पे उसका अदर एक्सेसरीज जो है ये मिलता है, तो इसके अंदर आपको मिलता है एक छोटा सा माउस, तो क्वालिटी उतना खास नहीं है, लेकिन शायद आपका काम चल जाएगा। तो इसका साथ यही आता है, USB पोर्ट के साथ आता है। और ये पावर एडाप्टर जो आपको डिवियर का पावर देगा, ये 12 वोल्ट आउटपुट निकलता है और ये 1.5 एम्पियर का है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े चेंज करने का, तो आप 1.5 एम्पियर का कोई भी 12 वोल्ट एडाप्टर यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलता है एक सेटअप कनेक्टर जो पावर के हैं, और एक सेटअप पोर्ट ये डेटा के लिए है, जो आपका हार्ड डिस्क को इस डिवियर से कनेक्टेड करता है। आप इस डिवियर को एक NVR की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये फीचर्स है। अगर आप सेटिंग्स में जाके इसे NVR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप 9 कैमरा यहाँ पे एक साथ चला सकते हैं। और ये डिवियर हर तरह का कैमरा को सपोर्ट भी करता है। ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल डिवियर है, जो आप मॉडल पे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ है CPUVR, यानी कि यूनिवर्सल मॉडल है ये। और ये जो डिवियर है, ये हर तरह का इनपुट को सपोर्ट करता है, जैसे कि HDCVI हो गया, TVI हो गया, AHD हो गया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस डिवियर के बारे में कोई और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि इसका हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसका फर्स्ट जो सेटअप है वो कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं इसका वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।